बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। टिहरी के तपोवन चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अक्सर देखा गया है तपोवन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान विदेशी नागरिक बिना वजह रोड पर घूमते नजर आते रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों घूम रहे हो, तो वह बोलते हैं कि 7 बजे से लेकर 1 बजे तक रिलैक्सेशन पीरियड है और हम शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। चौकी प्रभारी विनोद कुमार द्वारा कर्मचारी को साथ लेकर आज नीम बीच से लेकर साई घाट तक गश्त की गई, तो 10 विदेशी नागरिक गंगा किनारे चहल कदमी करते हुए दिखाई दिए, जिनको वहीं मौके पर बैठाकर लॉकडाउन के नियमों का हवाला दिया गया और बताया गया कि 1 बजे तक रिलैक्सेशन पीरियड केवल जरूरत का सामान खरीदने के लिए, गंगा किनारे स्नान करने, ध्यान करने या चहल कदमी करने के लिए नहीं है। इस पर विदेशी नागरिकों द्वारा इस बात की अनभिज्ञता जाहिर की गई कि उन्हें इस बात का पता नहीं है। करीब 12:30 बजे साई घाट पर मैंने 10 विदेशी नागरिकों को पकड़ा, तो उनसे पूछा कि क्यों घूम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम रिलैक्सेशन पीरियड में घूम रहे हैं। तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि यह पीरियड केवल जरूरत का सामान खरीदने के लिए है, ना कि गंगा किनारे चहलकदमी करने के लिए। इस पर मुझ चौकी परिवार द्वारा उनको एक सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं, भविष्य में ऐसा नहीं करें।